ऑफ हाईस्कूल की तालिबे इल्म हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मोशन। एक्चुअली मोशन क्या होता है? मोशन की ये डेफिनेशन है, इट इज चेंज अ बॉडी चेंज इट इज पोजिशन। जो एक बॉडी जो अपनी पोजिशन चेंज कर दे हम उसे मोशन कहते हैं। सपोज लाइक एग्जाम्पल भी हम यहाँ से दे सकते हैं, ये बॉडी यहाँ पे है तो वहाँ गई, तो दिस कॉल्ड इज अ मोशन, यानी कि उसने अपनी पोजिशन चेंज कर ली तो उसे हम मोशन कहते हैं। मोशन वन इज द लीनियर मोशन, सेकेंड इज द वाइब्रेटिंग मोशन, एंड थर्ड इज द रोटेटिंग मोशन। एक्चुअली लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन वो होता है बॉडी कवर्ड स्ट्रेट लाइन एंड कवर्ड पाथ। एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में जाए और अपना कवर्ड पाथ करे। सपोज लाइक हम यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये गाड़ी जो रोड पे खड़ी हुई है अब ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कि ये सीधी जा रही है, तो वो होगा लीनियर मोशन और ये कवर्ड भी पाथ कर रही है, दिस कॉल्ड इज द लीनियर मोशन। उसके बाद सेकंड टाइप जो आता है वो आता है वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन हम उसे कहते हैं टू फ्रो बॉडी, एक बॉडी जो टू फ्रो करे यानी आगे भी जाए और पीछे भी जाए। सपोज लाइक हम लाइफ में इसका एग्जाम्पल ले लें तो झूला जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉडी मैंने यहाँ पे की, अब मैंने इसे छोड़ा तो ये टू फ्रो कर रही है, दिस कॉल्ड इज द वाइब्रेटिंग मोशन। जो लास्ट टाइप आता है वो आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हम उसे कहते हैं एक बॉडी अ बॉडी मूव्स इन अ फिक्स्ड पॉइंट, एक बॉडी मूव करे लेकिन किस पे फिक्स्ड पॉइंट है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज लाइक ये बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट पे मूव कर रही है, आप लोग देख सकते हो दिस कॉल्ड इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस कॉल्ड इज रोटेट, ये रोटेट कर रही है।